बहुत से कलाकार यहाँ पर हैं जो अपने अपने सामान यहाँ साधना भाटिया जी म्यूजिक सेंसेशन साधना भाटिया जी हमारे साथ खड़ी हैं, तो साधना जी से पूछते हैं इनकी गीत संगीत के सुर के लिए। साधना जी स्वागत है फेस न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। साधना जी अभी आपने बहुत खूबसूरत लता जी के गाने हमें सुनाए हैं, तो आपका क्या इंस्पिरेशन है? आप लता जी से इंस्पायर्ड हैं या फिर आपके कोई और इंस्पिरेशन है जिनसे आपने इतने खूबसूरती से हमें गाने सुनाए? नहीं, मैं लता जी से ही इंस्पायर्ड हूँ और आशा जी से भी, तो मैं लता जी के गाने गाना पसंद करती हूँ, आशा जी के भी, वो भी अभी आप सुनेंगे थोड़ी देर में। साधना जी इतने वक्त से आप गाना गा रहे हो, म्यूजिक सेंसेशन है, आगे चलकर कुछ प्लान आपके आने वाले कोई गाने या ऐसा कुछ? हाँ, मैं कुछ पंजाबी सॉन्ग्स पे अब काम कर रही हूँ और वैसे मैं सिंधी गाने भी गाती हूँ, तो मैं सिंधी गानों पे भी बहुत काम कर रही हूँ। आपने आपका बहुत समय दिया, फेस न्यूज के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आपके गानों के दीवानों को? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि मैं जो भी हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ, ऑडियंस की वजह से हूँ। एक कलाकार जो होता है वो तब तक ही कलाकार है जब तक लोग उसे पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। साधना जी आपकी आवाज में जो खूबसूरती है, लता जी की आवाज कहीं ना कहीं झलकती है आपकी आवाज में, तो इसमें कोई एक छोटा सा गाना हम फेस न्यूज के माध्यम से छोटा सा एक सुर आप देना चाहेंगे अपना? खैर ये तो बहुत बड़ी आपने बात कही है, ये मैं नहीं मान सकती क्योंकि लता जी तो सुरों की देवी हैं और उनकी अगर आवाज़ भी झलकती है तो मैं तो लगता है कि आज सो नहीं पाऊंगी पूरी रात। बट एनीवेज एक लाइन सुना देती हूँ बहुत ही। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। हुनर हाट की जितनी भी नाइट है आपने इसकी शाम को रंगीन बना दिया आपके खूबसूरत गानों के साथ में, तो किनसे इंस्पायर्ड होते हैं आप इन गानों के लिए? बहुत लोगों से इंस्पायर्ड होता हूँ, सारे नए आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्ट, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार, अभी बहुत है, गुरु रंधावा, इंटरनेशनली जस्टिन बीबर, आई एम लॉट ऑफ लाइक अ बिग फैन ऑफ मैनी पीपल, और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो यही मैं करता रहता हूँ कोशिश की लोगों से ग्रास्प करता रहूँ जितना कर सकता हूँ। आगे चलकर क्या प्लान है, क्या क्या सोच रहे हैं आगे चल के क्या करने वाले हैं, और इस आपके म्यूजिक सेंसेशन बने हुए हैं तो इसको और आगे किस तरह से बढ़ाने वाले हैं? अभी तो मेरा गाना आ रहा है और पंजाबी सिंगल आ रहा है मेरा सोलो, होपफुली इस ईयर आ जाएगा, इसी ईयर आएगा आई मीन, बट उस पर मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, इट्स बिन अराउंड 6-7 मंथ्स जो मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर, और बहुत सारे मैंने डायरेक्टर्स को अप्रोच करा है वीडियो के लिए जो बहुत अच्छे हैं पंजाब के, और हमारी कंट्री में बेसिकली हर जगह टैलेंट इतना ज़्यादा है कि कोई टैलेंट का वो ही नहीं है, मतलब इतने लोग हैं 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में, अगर इंडिया के मुकाबले मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं टैलेंट नहीं है, तो आगे आने वाले टाइम में जो हो सकता है जितना लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ अपने गानों से होपफुली करता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। राग अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है, इंस्पिरेशन होता है। आप बहुत छोटी उम्र से बहुत खूबसूरत गाना गा रहे हैं, अभी 3 गाने आपके मैंने सुन ली यहाँ, 2 गाने, तो आप कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पर्सन जिनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, किसी एक का नाम? 2 का लेता हूँ, मेरे माता पिता इनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं, क्योंकि जब फैमिली में ही यू नो म्यूज़िक काइंड ऑफ रन्स इन द फैमिली, सो हमेशा से ही मुझे ये है कि जब मॉम डैड इसमें है तो मैं कैसे नहीं हो सकता, और मेरे को तो बचपन से पढ़ाई में मैं कभी अच्छा था नहीं,
तो ऑब्वियसली मेरे को म्यूज़िक ही करना था और कोई ऑप्शन भी नहीं था और ऑप्शन चाहिए भी नहीं और बैकअप भी नहीं चाहिए बिकॉज यही मेरी लाइफ है, यही मेरा पैशन है। फेस न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को, युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी कर रहे हो पूरा हार्डवर्क और पूरा दिल लगा के करो, और चाहे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स रोकते हैं या यू नो काफ़ी लोग माइंड डाइवर्ट करते हैं, सो वट एवर इट इज़ जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर। तो आपको किस तरह से इनके गाने लगे हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छा मेलोडीज गाना था, आज का सॉन्ग बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहा, मन को भा गया, आज मेरा आना सफल हो गया। इतने मेलोडियस आवाज है साधना जी का और राग भाटिया का, मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, काफी अच्छा है। कुछ लोग यहाँ खाने के लिए देखिए लगे हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे से यहाँ खाने के स्टॉल है। यहाँ मध्य प्रदेश के खाने में हम मिलते हैं, यहाँ एक हमारे साथ जुड़ गई एक, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुमन। सुमन जी, सुमन जी, यहाँ मध्य प्रदेश के खाने में आप क्या क्या खाने आई? मूंग दाल की पकौड़ी और चटनी। मूंग दाल ये लगा जो सबसे बढ़िया है, घूमने उमने का अच्छा है, बच्चे बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे एंटरटेनमेंट बच्चे के लिए काफ़ी बढ़िया है, तो बहुत बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आया। और बाकी आज की शाम जो म्यूज़िक चला है उस म्यूज़िक के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा आपने एंजॉय किया म्यूज़िक को? बहुत बढ़िया एंजॉय किया, बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ, एंटरटेनिंग था, एंटरटेनिंग का के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हलवा शाही टुकड़ा वगैरह है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको और लोगों के व्यूज़ भी हमारे सामने आ रहे हैं कि लोग किस तरह से खाने को एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ रहकर यहाँ की शाम को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के खूबसूरत अरेंजमेंट को एंजॉय कर रहे हैं।